आप सभी को यहाँ पे केपीजे स्टार की तरफ से जयंत तो आज की बात करने पर यहाँ पे एसएससी जीडी भर्ती 2022-2023 के बारे में। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि किन किन कैंडिडेट का जो फॉर्म है वो यहाँ पे एसएससी जीडी में रिजेक्ट हुआ है। जैसे कि आप सबको पता है कि एसएससी जीडी के जो एडमिट कार्ड है, भारत के कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें एडमिट कार्ड आना शुरू हो चुके हैं और एप्लीकेशन जो स्टेटस है वो यहाँ पे शो होना शुरू हो चुका है, लेकिन भारत के अभी सभी राज्यों में एडमिट कार्ड जो है वो यहाँ पे डाउनलोड होना शुरू नहीं हुए हैं और सभी का जो स्टेटस है वो यहाँ पे शो होना शुरू नहीं हुआ है। लेकिन जिन राज्यों में यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस शो होना शुरू हुआ है और जिन राज्यों में यहाँ पे एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू हुए, तो वहां से जो मेरे पास यहाँ पे जानकारी आ रही है, आपको बता दूं, एक लड़के ने हमें बताया है कि सर हमने जो फोटो था उस पे डेट नहीं डाली थी, लेकिन हमारा जो फॉर्म है वो यहाँ पे रिजेक्ट नहीं किया गया है। ये बहुत बड़ी गुड न्यूज है। और दूसरा मैं आपको बता दूं, एक युवा का कहना है कि सर हमने जो फॉर्म पे फोटो था वो यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर वाला लगाया था, यहाँ पे टेढ़ा लगाया था, तो उस भाई का जो फॉर्म है वो यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उस भाई का जो फॉर्म है वो यहाँ पे रिजेक्ट हो चुका है। आपको बता दो, अगर आपका फोटो टेढ़ा मेढ़ा लगा है तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। फोटो पे आपको बता दो डेट वोट नहीं डाली है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, फॉर्म रिजेक्ट आपका नहीं होगा। जिसने फोटो पे डेट नहीं डाली है कोई फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, लेकिन जिसने फोटो टेढ़ा मेढ़ा लगा के रखा है ना, या फोटो ब्लर वाला रखा है, या कोई 2-3 साल पुराना फोटो लगाया, तो फिर आपका जो फॉर्म है वो यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे बात कर ले कि अगर आप चाहते कि आपका एसएससी जीडी का एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, आपकी सिलेक्शन हो जाए, तो उसके लिए आपको बता दो आपको जरूरत पड़ेगी उपपाटन क्वेश्चन की। तो आपको बता दूं हमारे पास यहाँ पे उपपाटन क्वेश्चन के हमने पूरे 70 पीडीएफ बनाए हैं, जिसमें हमारे एक पीडीएफ में पूरे 100 क्वेश्चन होते हैं। हमारे 70 पीडीएफ में लगभग 7000 जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे रहने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं उसके लिए हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो यहाँ पे दिया गया है। और मैं आपको बता दूं हमारे 70 पीडीएफ का जो प्राइस है वो सिर्फ हमने 700 रुपया रखा है। अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हो सबसे पहले आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, जैसे आप पेमेंट करोगे उसी टाइम आपको आपके व्हाट्सएप पे जो पीडीएफ है वो हम आपको दे देंगे। और मैं आपको बता दूं हमारे 70 पीडीएफ में से 60% जो क्वेश्चन है वो आपको एसएससी जीडी के एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि पिछली बार भी हमने जिन युवाओं को जो 70 पीडीएफ दिए थे उन युवाओं ने यहाँ पे खुद बताया था कि 70% जो पेपर है वो हमारे पीडीएफ में से आया है। तो इसलिए मैं आपको बता दूं अगर आप हमसे पीडीएफ लेते हो तो इस बार हम आपको 60% की जो गारंटी है वो यहाँ पे देते हैं कि 60% जो क्वेश्चन है वो आपको हमारे पीडीएफ से देखने को मिलेंगे। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, तब तक जय हिंद जय भारत।